हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ कुछ अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स लेके, जो पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली टिप रद्दी किस पेपर की है, जिसे हम अक्सर इकट्ठा करके बेच देते हैं। ये पेज ऐसे होते हैं जिनके एक तरफ तो यूज होता है यानी कुछ लिखा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बिल्कुल वाइट होते हैं। तो इन्हीं व्हाइट पेपर को इकट्ठा करके हमें इन्हें यूज करना चाहिए। अगर इसे हम कलेक्ट कर ले तो बहुत सारा पेज या पेपर हमें मिल जाएगा। तो एक बार आप बेचने से पहले इन सब चीज़ों को चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेज ऐसे होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रोसरी आइटम की जो लिस्ट हम बनाते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर इसको आप किचन में रखें स्टेपल करके एक पेन के साथ, तो कभी भी आपको कुछ भी याद आए तो इसके ऊपर नोट डाउन करते जाइए, करेंगे आपको नए नए आइडियाज़ मिलते जाएंगे इसको यूज़ करने का। तो आपको आज की ये टिप कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। जब भी हमें अदरक का बहुत सारा पेस्ट बनाना होता है तो बहुत सारा अदरक हम लेके आते हैं और उसको अच्छे से छील कर उसका पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन देखिए जब भी हम अदरक को छीलते हैं तो काफ़ी सारा इसका छिलका निकल आता है। तो इस छिलके को आप फेंकिए नहीं, बल्कि 1 से 2 दिन तक इसे धूप में सुखा लीजिए, और फिर जब भी आपको चाय में या दूध में डालने की ज़रूरत पड़े तो इस छिलके का यूज़ कीजिए। तो उम्मीद है ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगली टिप इस रबर के बारे में है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा रबर लेके आ जाते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि ये आपस में चिपक जाते हैं। सबके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, जिससे आपका रबर खराब भी नहीं होगा और इसे बहुत दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आप टैल्कम पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से इसको चारों तरफ लगा दीजिए, फिर इसे स्टोर करके किसी डिब्बे में रख दीजिए, आपका रबर कभी नहीं खराब होगा। और अगली टिप में मैं आपको ये 2 अगरबत्ती दिखा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे किसका क्या यूज़ है, तो इसका सारा मसाला पहले हम निकाल लेते हैं और इसके स्टिक्स को हम जितना निकल जाए उतना निकाल कर फेंक देंगे। और फिर इसे मैं एक मास्क लूँगी जिसके अंदर मैं इसको भर के इसको अच्छे से बांध दूँगी। अगर आपके पास कोई छोटी सी पोटली हो तो आप उसमें भी इसको रख सकते हैं। अब इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं, इसे कहाँ यूज़ करेंगे। बाथरूम में भी ये डिओड्रेंट का काम करता है। इसे आप बाथरूम में कहीं भी कोने में टांग दीजिए तो पूरा बाथरूम आपका खुशबू से महक जाएगा। इसे किसी भी आलमीरा में आप रख सकते हैं। इस पोटली को आप अलमारी के साइड में भी ऐसे हैंग कर सकते हैं तो कबर्ड में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मेरी अगली टिप मिक्सर ग्राइंडर को लेकर है। और मेरी मिक्सी अभी रिपेयर होके आई है तो देखिए काफ़ी गंदी है, तो मैंने सोचा इसको क्लीन करने से पहले आपको दिखा दूँ। इसके लिए मैंने आधा नींबू ले लिया और नींबू के ऊपर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इसी से पूरे मिक्सर ग्राइंडर को हम अच्छे से रगड़ लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से रगड़ लिया है और सीन को कट किए भी नहीं मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये कितने अच्छे से ये साफ़ हो रहा है। बिना पानी का यूज़ किए भी इसको बहुत अच्छे से साफ किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो नए वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।